और यहाँ पर भी एक झाड़ लगाया है, जैसे कि एक वहाँ है और एक यहाँ है। मैं आपको सबसे अच्छी चीज दिखाती हूँ घर की, इस वॉल को जो मैंने हाईलाइट किया है। तो ये हाईलाइट किया है, ये देखिए बालकनी में भी पूरी फॉल सीलिंग है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज़ रचना। आई अपलोड हेयर एवरी डे अबाउट होम मेकिंग एंड माय लाइफस्टाइल टू। इफ़ यू लाइक सच कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़। और आज का व्लॉग है होम टूर व्लॉग, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करती हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी रचना के घर में। सो स्वागत है आप सभी का। सो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का जो व्लॉग है वो होम टूर है। तो बस आज आपको पूरा ही घर दिखाऊंगी कि 6 महीने से जो इतनी मेहनत की है और क्या चेंजेस किए हैं डिज़ाइन में, कैसे अपने नीड के अकॉर्डिंग बनाया है घर, सब एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगी। और जो किचन का टूर है वो तो किसी एक मतलब अलग दिन आपको एक किचन का दूंगी एंड वार्डरोब का अलग अंदर से दिखाऊंगी। आज फिलहाल सिर्फ और सिर्फ होम टूर। तो चलते हैं मेन दरवाजे पे। तो ये देखिए, ये जो इसको सेफ्टी डोर बोलते हैं, मैंने जो बनवाया है, सबसे पहले तो आप लुक देख लीजिए। ये सैगोन की लकड़ी से मैंने बनवाया है, जो सैगोन काट होता है, एंड डिजाइन कुछ इस तरीके से है। यहाँ आई ग्लास लगा हुआ है एंड फ्रेमिंग आप देख लीजिए, ये देखिए। तो ये वाले जो गणपति हैं, ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो ये है पूरा मेन दरवाजा पूरा फ्रेमिंग के साथ, एंड अब चलते हैं अंदर। सो अंदर जो एंटर किया है मैंने, ये है अंदर का सेकंड दरवाजा यानी कि मेन दरवाजा। और बाहर जो आपने गणपति जी देखे हैं, ठीक उनके अपोजिट, ये वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। तो बाहर भी गणपति जी हैं और ठीक उनके अपोजिट भी गणपति जी हैं। सो दरवाजे से जैसे ही एंटर करते हैं, इतनी गैप में ये शू रैक है। तो यहाँ पे जैसे कि 2 ड्रॉर्स हैं और जूते चप्पल रखने के लिए अच्छा खासा स्पेस है। और मेन हाईलाइट जो मैंने किया है, यहाँ आप देख सकते हैं ये हैंगिंग्स मैंने लटकाई हैं, ये देखिए। और ये जो है ये पैनल है और ये मिरर मैंने लगवाया है पूरा ऊपर से नीचे। ये पूरा मेन जैसे इस वॉल को मैंने हाईलाइट किया है, तो हैंगिंग्स दोनों तरफ है यहाँ पे। और ये वाला जो है, ये जैसे कोई ओकेजन हुआ या कुछ भी, मैं आपको इसको जला के दिखाती हूँ। इसमें 3 कलर्स आते हैं, 1, 2, 3, तो इस तरीके से आते हैं। एंड फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही जैसे नॉर्मल सी जो ट्रे होती है, एकदम सिंपल, बस वैसा ही है। अभी फिलहाल सबसे पहले हॉल का टूर करवा रही हूँ मैं आपको। और ये जो सोफ़ा आप देख रहे हैं, तो ये सोफ़ा कम बेड है, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोलिक खुलता है। सो किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि स्पेस क्या है इसमें। और ये सोफ़ा के साथ में ही एक पॉफी ये है और एक पॉफी ये वाली है, तो ये सेट है। और जो गिफ्ट मिले थे, यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है सजा के, बहुत प्यारे हैं। और ये जो टीवी है, 65 इंचेस की टीवी है ये, तो काफ़ी बड़ी है और इसमें दिखता भी बहुत अच्छा है। और 3 से 4 ब्लॉग्स में आप मंदिर तो देख ही चुके हैं। तो ये है मेरा मंदिर
और ये ट्रे है, ये ड्रॉर है और ये नीचे कैबिनेट है, तो जगह काफ़ी है सामान रखने के लिए और कुछ इस तरीके से है। और ये लाइट स्पेशली मैं लेकर के आई हूँ मंदिर के लिए, तो बहुत अच्छी लगी। जब घर के लिए लाइट्स खरीदी थी तो ये बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि मंदिर में ही लगाऊंगी इसको। सो ये है मंदिर और यहाँ चैनल लगे हैं दोनों साइड, ये रहे, ये चैनल लगा हुआ है, तो बस मतलब ऐसे करके बंद कर दिया जाता है जब लाइट वगैरह बंद किया जाता है पूजा करने के बाद। फिलहाल चल रही हूँ बालकनी की तरफ। सो ये स्लाइडिंग तो है ही, जिसमें कांच होता है, ग्लास होता है, और ये अलग से मैंने लगवाया है, ये नेट है। तो अगर जैसे स्लाइडिंग लगा के नहीं रखनी है, गर्मी का टाइम है, तो सिर्फ और सिर्फ नेट भी लगा के रख सकते हैं। तो इससे क्या है कि मच्छर भी नहीं आएंगे और हवा भी आती रहेगी घर में। ये देखिए, ये है बालकनी। अभी फ़िलहाल कोई भी मेकओवर बालकनी का नहीं किया है मैंने, जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे। यहाँ दो ये तख्ते बनवाए हैं सामान रखने के लिए, लाइक वॉशिंग मशीन है तो जैसे कपड़े की क्लिप्स, सर्फ एंड ऑल, यहाँ भी एक पॉइंट दिया हुआ है। और ये है बालकनी की फॉल सीलिंग, ये देखिए बालकनी में भी पूरी फॉल सीलिंग है। और ये बेसिन स्पेशली एक्चुअल में मेरी दीदी के घर में, जो मैंने आपको होम टूर दिया था, मैंने वहाँ देखा था, तो ये सिर्फ और सिर्फ मंदिर के लिए बनाया है बालकनी में। तो बहुत इजी पड़ता है, जैसे पूजा करो तो यहीं मंदिर का भी पूरा सामान वगैरह, जैसे जो गिफ्ट्स भी मिले हैं, वो सारा सब कुछ मैंने इसमें रखा है। तो कैबिनेट है, सामान रख सकते हैं, और ये बेसिन है, और ये जैसे पूजा का साबुन वगैरह एंड ऑल, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक का पॉइंट दिया गया है। तो इस तरीके से ये बालकनी है और ये है इसकी टाइल्स, तो देख सकते हैं। और ये स्टेयर्स तो मैंने आपको दिखाई थी, ये बहुत काम की है। तो ये कुछ इस तरीके से बालकनी का कुछ लुक है। पूरे घर में एक ही फ्लोरिंग दी है मैंने, सिर्फ किचन की फ्लोरिंग थोड़ी अलग है। और सोफे के पीछे की ये जो वॉल है, उसको मैंने मेटेलिक का जो वॉलपेपर है उससे हाईलाइट किया है, देख सकते हैं आप, काफी खूबसूरत है एंड गोल्डन मेटेलिक से पूरा हाईलाइट है। और यहाँ का ये फॉल सीलिंग आप देख लीजिए, जो बाहर से जैसे आपको दिख रहा था अभी। और ये है टीवी के पास में, ये कॉपर गोल्डन कलर की हाईलाइट है जो एल शेप में है, लाइक यहाँ ऊपर से ऐसे जाके एंड टीवी के पीछे से पूरी यहाँ तक है, ये तो कॉपर गोल्डन की हाईलाइट है ये। ये देखिए, तो घर का जो हॉल होता है उसको एकदम हाईलाइट करना ज़रूरी है। यहाँ से कुछ ऐसा लुक है पूरे घर का। एंड किचन में जो आप देख रहे हैं, वो जो दो हैंगिंग्स है, वहाँ मैंने प्रोफाइल लाइट भी दी है, मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए किचन में चलने से पहले आपको मैं डाइनिंग टेबल दिखाती हूँ। ये पूरी सैगोन की डाइनिंग टेबल है, ये है डाइनिंग टेबल। तो डाइनिंग टेबल आपने ब्लॉग में काफ़ी बार देख ही ली है, ये कुछ इस तरीके से इसका जो डिज़ाइन है चेयर की, बहुत सुंदर है और प्यू पॉलिश के साथ में है, पूरी सैगोन की है, 6 सीटर है, 6 चेयर वाली। और ये जो गिफ्ट में मिला था, तो इसी में अभी थोड़ा कुछ सजा दिया है मैंने, अच्छा लग रहा है इसलिए। सो ये हो गया डाइनिंग एरिया और वो है क्रॉकरी यूनिट। सो ये है डाइनिंग टेबल और ये है क्रॉकरी यूनिट। यहाँ भी काफी स्पेस है हर चीज में, जैसे सामान वामान रखने के लिए, अभी काफी एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखा हुआ है। और इसके ऊपर लगाया है ये ग्रेनाइट। और ये है बेसिन क्रॉकरी यूनिट में, जैसे डाइनिंग में डाइनिंग टेबल पर बैठ के कोई खाना खाता है
तो बस किचन में या वहाँ इधर उधर जाके हाथ वाथ धोने की जरूरत नहीं है। और ये सब जो है ये आंचल ने ऑनलाइन मंगा के सब ये सब सजावट की है। टॉवल के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बेसिन है तो, और ये सब, तो ये कुछ ऐसा लुक है। और यहाँ भी एक लाइट दी गई है, ये देखिए। और क्रॉकरी यूनिट में आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये जो सेट आपको दिखाई दे रहा है क्रॉकरी यूनिट का, यानी कि क्रॉकरी यूनिट में जो ये सेट लगाया हुआ है, ये मेरी दीदी ने दिया था और ये भी मुझे गृह प्रवेश में मिला। तो देखिए, अनफॉर्चुनेटली दोनों का जो ये है डिज़ाइन सेम है, बस कलर अलग है। फिलहाल इसमें थोड़ा छोटा मोटा प्लांट लगाने का सोच रही हूँ मैं, तो आप कुछ आइडिया दीजिएगा कि क्या लगाना है। और यहाँ पर भी सारी लाइट्स हैं क्रॉकरी यूनिट में। ये है किचन, तो किचन में भी दो यहाँ हैंगिंग लगाई है, ये जस्ट लाइक जैसे मटका टाइप होता है, और वो वाली जो हैंगिंग है वो लालटेन टाइप होता है दोनों एक ही चीज, बस शेप अलग है। तो ये है, और लाइट्स भी किचन के आप देख लीजिए। ये जो है ये प्रोफाइल लाइट है, ये एल में लगवाई है मैंने, तो लाइटिंग किचन में सबसे ज्यादा मैंने दी है, क्योंकि कुकिंग वगैरह का रहता है और कोई त्योहार वगैरह हो तो एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत नहीं है। सो ये प्रोफाइल लाइट मैंने एल में दी है। लाइट और भी है किचन में, सो ये है किचन। और चिमनी लगी हुई है, एंड यहाँ पे जैसे ये है तो हाइड्रोलिक लगा हुआ है, और ये सेक्शन बनाया था ओवन के लिए, तो यहाँ जैसे कि हाइड्रोलिक लगा दिया है, कुछ गर्म करना हो तो बस स्टैंड रहेगा ऊपर एंड उसके बाद में नीचे, जस्ट लाइक सेम इधर भी है। और ये है चिमनी, और ये चार चूल्हे वाली जो गैस ली थी। तो किचन का तो एकदम मतलब डिटेल में एक टूर में आपको बाद के ब्लॉग में कराऊंगी किसी दिन, फिलहाल ये। और फ्रिज सबसे ज्यादा जरूरी, जो आप लोग बोलते थे कि छोटी फ्रिज है बड़ी ले लीजिए, तो ये फ्रिज ली है मैंने। तो ये है फ्रिज, और कुछ अप्रोक्स 600 लीटर की है ये, 600, काफी बड़ी है, स्पेस बहुत अच्छा है इसमें, और नीचे इसमें फ्रिजर है और ऊपर फ्रिज है। तो ये हो गया किचन का, और अब अंदर चलते हैं। और यहाँ पर भी एक झाड़ लगाया है, जैसे कि एक वहाँ है और एक यहाँ है, तो सेम ही है, बस इसमें भी तीन जलती है। एक्चुअली उसके लाइट के रिफ्लेक्ट से अभी ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, तो तीन लाइट इसमें भी है। आपको सबसे अच्छी चीज़ दिखाती हूँ घर की, इस वॉल को जो मैंने हाईलाइट किया है, सी। आदि योगी, तो भोलेनाथ जी का मैंने ये वाली वॉल को हाईलाइट किया है। ज़्यादातर लोग बुद्धा लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पे जैसे भोलेनाथ जी का महाकाल आदि योगी ये वॉलपेपर है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो आज आपको होम टूर जो मैं दे रही हूँ, आपको भी बहुत सारा आइडिया मिलेगा इससे घर को डेकोरेट करने का। सो अब अंदर चलते हैं, ये मैं एंटर कर रही हूँ आंचल के रूम में। तो कुछ इस तरीके के दरवाजे हैं, और यही सनमाइका मैंने सारे दरवाजों में लगवाया है लॉक। और ये है पलंग की साइड टेबल, मैं सारी लाइट्स को पहले जलाती हूँ। सो कुछ इस तरीके से दिखता है आंचल का रूम। और ये है वॉलपेपर आंचल के बेड के पीछे, एंड बेड जो बनाया है वो ये देखिए, ग्रे कलर का पूरा हेडबोर्ड है यहाँ पर, और ये है बेड। और हर रूम में मैंने एक, जैसे पलंग के पास में हाईलाइट किया है वो आपको दिखाऊंगी। ये है आंचल की स्टडी टेबल, सो इस तरीके के प्लांट्स काफी कुछ ऐसे लगाए हैं वॉशरूम में भी, और ये भी। ये है वार्डरोब आंचल का, लॉफ्ट है ऊपर में, लॉफ्ट सारे ही वार्डरोब में है। और ये कुछ इस तरीके से मैंने ये लॉक बनवाया है, जहाँ लाइट है वहाँ डार्क दिया है, और जहाँ डार्क है वहाँ लाइट दिया है। तो इस तरीके से थोड़ा सा किया है, जैसे कि लाइक ऊपर लाइट कलर का सनमाइका है, तो वहाँ डार्क दिया है मैंने लॉक में।
और यहाँ थोड़ा लाइट है तो यहाँ डार्क दिया है, तो इस तरीके से जैसे कॉम्बिनेशन करके अच्छा लगता है देना। और ये भी है, ये देखिए यहाँ भी मैंने प्रोफाइल लाइट लगवाई है ताकि इजीली वो कुछ भी अपना जॉब या पढ़ाई का बच्चे का कुछ भी हो तो अच्छी खासी लाइट आती है। और ये वाली जो लाइट है ये अलमारी के अंदर वाली है। सो कुछ ऐसा दिखता है आंचल का रूम। और यहाँ जो मिरर की जो पैनलिंग है वो सेम जो वार्डरोब में है सनमाइका उससे है, ये जो वार्डरोब का सनमाइका है उससे किया है मिरर की पैनलिंग को, और बाकी की जगह में है वॉलपेपर। और यहाँ पर स्विच बोर्ड लगवाया है ताकि हेयर स्ट्रेटनर या कुछ भी जैसे ज़रूरत पड़े हेयर ड्रायर तो इजीली चला सकते हैं अगर तैयार हो रहे हो तो। ये है पर्दे सारे रूम में अभी ऐसे ही हैं, मतलब यही कलर मैंने बनवाया है। और ये आप देख सकते हैं से यहाँ भी सारी जगह में ही लाइक नेट वाला सब में है। ये देखिए ग्लास वाला जो स्लाइडिंग होता है उसके अलावा नेट वाला भी है। तो विंडो तो कभी मैं आपको सुबह के टाइम पे दिखाऊंगी, अब चलती हूँ मैं चिंकी के रूम में, उससे पहले कॉमन बाथरूम। सो ये है कॉमन बाथरूम। एक तो इस लाइट में खैर मुझे अच्छा लगता है बाथरूम, छोटी सी लाइट सी जो लगी है ये देखिए। अब बड़ी लाइट जला के आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए पूरा ग्रे टोन है। और बाथरूम में बेसिन, बेसिन में ऐसी कुछ सजावट की है आंचल ने, ये देखिए। कैबिनेट यहाँ भी बनवाया है, कैबिनेट इधर भी बनवाया है, तो एक्स्ट्रा जो सामान वगैरह सब रहता है एवरीथिंग सब कुछ मतलब रख सकते हैं। अलग से आपको अलमारी या वहाँ रखने की जरूरत नहीं है। स्टोरेज अगर आप देखें तो वहाँ ऊपर भी है, कुछ भी रख सकते हैं। फिलहाल हमने नहीं रखा है इस वॉशरूम में। ये लीफ डिज़ाइन का मैंने ये लगवाया है शावर, हैंड शावर। और ये तो ये वॉशरूम कुछ ऐसा पूरा ग्रे टोन में। दोनों वॉशरूम के बीच में ये जगह हाईलाइट की है प्रोफाइल से, प्रोफाइल लाइट। ये देखिए लाइक यहां से हम हॉल से चले और अंदर जा रहे हैं तो ये जगह हाईलाइट है, बहुत खूबसूरत लगता है ऐसे। अब चलते हैं चिंकी के रूम में। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये है बेड चिंकी का और पीछे बेज कलर का हेडबोर्ड है उसका। और बेड काफ़ी बड़े साइज का है, दोनों साइड में साइड टेबल है और साइड टेबल का जो साइज है वो भी काफ़ी बड़ा है, अच्छा है, स्पेशियस है। और ये है उसके बेड के पीछे का वॉलपेपर, ये मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत लाइट जो शाइन होता है, ये भी मेटेलिक है, तो वॉलपेपर मैंने सारे ही मेटेलिक ही लगाए हैं, बहुत सुंदर है ये। और कुछ इस तरीके से चिंकी का रूम दिखता है। ये है वार्डरोब चिंकी का, बहुत सुंदर डिज़ाइन है इसकी। और यहाँ भी मैंने लाइट लगा रखी है ताकि अगर वो पढ़े और जॉब के लिए बैठे, ये स्टडी टेबल है तो ये दोनों लाइट, एंड ऊपर भी एक लाइट है और ये लाइट तो है ही। इस तरीके का कुछ लॉक जैसे कि हैंडल बनवाया है मैंने, ये हाथ से बनाए हुए हैंडल हैं, मार्केट में जो मिलते हैं वो नहीं है तो ये डिज़ाइन मैंने करवाई है। ये देखिए नीचे कुछ इस तरीके से लंबाई में करवाई है और ऊपर छोटे यानी कि वाइट ही मैंने करवाई है क्योंकि वार्डरोब में वाइट कलर है। तो ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है उसका वार्डरोब, नीचे गद्दा बिछा हुआ है एस्ट्रो का। ये देखिए एंड फॉल सीलिंग आप देख लीजिए, सब मैंने बहुत ही जैसे कि नेचुरल जो एकदम
लाइट फॉल सीलिंग होती है, बस वही ट्रे मैंने बनवाई है। और एक चीज़ आपको मैं दिखाऊंगी कि जो मैंने सारे रूम में दोनों बेड की तरफ ये जो हैंगिंग आप देख रहे हैं ये मैंने हाईलाइट की है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये हाईलाइट किया है, और जितने भी बेड है यानी कि तीन बेड है, तीन रूम है, तीनों बेड के साइड में ये हाईलाइट किया है हैंगिंग्स। कैसी लगी बताइएगा। और चिंकी के रूम में भी ये है, ये देखिए, तो यहां पर भी ये लगाया हुआ है। अब ये मैं बढ़ रही हूँ मास्टर बेडरूम की तरफ, तो इसमें अटैच बाथरूम है, बाथरूम अभी आपको शो करती हूँ। और यहाँ प्रोफाइल लाइट से हाईलाइट किया है, ये देखिए, लाइक यहाँ से एंटर किया तो यहाँ भी हाईलाइट है और यहाँ भी हाईलाइट है प्रोफाइल लाइट से। और ये है वॉशरूम, ये वॉशरूम है, ये टाइल्स है, नीचे वाली फ्लोरिंग की मैट है, और ये कुछ टाइल्स है इस तरीके से बेज में। और यहाँ भी बेसिन में ये सजाया हुआ है, नीचे कैबिनेट है, और दोनों ही मिरर पर ये लाइट मैंने लगवाई है। अगर जैसे लाइट भी बंद रहती है तो इससे भी अच्छी रोशनी होगी, ये देखिए। ऊपर गीजर, और यहां मैंने राउंड शावर लगाया है, और वहां लीफ वाला, तो कुछ इस तरीके से है। यहां भी काफी जगह है, कुछ भी रख सकते हैं एग्जॉस्ट। तो ये है मेरा वॉशरूम। और इस बेड को तो आप पहचान ही गए होंगे, उस घर में भी आप देखते थे। तो ये देखिए, ये यहाँ की फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग हर जगह एक जैसी ही ट्रे रखी है, काफ़ी खूबसूरत लगती है। और ये बेड आपने कई बार देख रखा है, यहाँ देखिए, बच्चे खेल रहे हैं नीचे गार्डन में। यहाँ भी नेट का मैंने स्लाइडिंग लगवाया है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए, हर विंडो पे इस तरीके की तीन मैंने स्टील की रॉड लगवाई है कपड़े सुखाने के लिए, ये हर विंडो एंड बालकनी में है। तो ये बहुत काम की चीज़ है, ये आपके भी घर में आप लगवा सकते हैं, बहुत काम आएगी, ये काफ़ी अच्छी है। और कोई वैसा तार नहीं है कपड़े सुखाने का जो टूट जाए या कुछ भी, यानी कि ये पूरा लाइफ टाइम हो गया, बहुत अच्छा है, हमें बहुत हेल्प मिलती है कपड़े सुखाने में। और ये है मेरा वार्डरोब, इसमें भी ऊपर लॉफ्ट है, तो लॉफ्ट तो जैसे सब में ही है, और मैंने इसी तरीके के हैंडल्स हाथ से ही बनवा के लगवाए हैं। तो यहाँ जैसे कि डार्क कलर है तो यहाँ मैंने लाइट कलर लगवाया है दोनों में ही, और ऊपर भी जैसे डार्क है तो लाइट ही लगवाया है, तो वो हाईलाइट अच्छा होता है। और मेरे रूम में जो वॉलपेपर है वो ये है क्रीम कलर का, और क्योंकि क्रीम है इसलिए ये जो है यहाँ एक्चुअल में दिया हुआ है टीवी का पॉइंट, अभी फ़िलहाल मैंने टीवी नहीं लगाई है कि हॉल में रहेगी तो एक ही साथ देखेंगे। ये है, ये डार्क लगवाया है, और ये है मिरर शीशा। तो यहाँ पे ये सेम जो लगवाया है मैंने सेम कलर वार्डरोब में है, तो इससे क्या है कॉन्ट्रास्ट मैच में अच्छा जाएगा। और शीशा काफ़ी बड़ा लगवाया है, और यहाँ है तीन ड्रॉज, तो स्टोरेज मैंने काफ़ी रखा है घर में, क्योंकि स्टोरेज जितना हो उतना अच्छा है। और ये है, क्योंकि इस बेड की कोई भी साइड टेबल मैंने पहले भी नहीं खरीदी थी, तो ये जस्ट मैंने अपने जो कारपेंटर है उनसे बनवाई है, काफ़ी ब्रॉड है,
ये कलर एक्चुअल में थोड़ा डार्क डार्क यहाँ से जैसे जा रहा है, तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए जो मेरे पास ये सनमाइका बचा था तो मैंने बोला आप यही बना दो, तो वो ख़राब भी नहीं लग रहा है। और इसकी भी मैं आपको हैंगिंग्स की लाइट जला के दिखाती हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको? ये इतना क्लासी लगता है ना, ये एक्चुअल में बहुत लंबा था, ये जो रोप आप देख रहे हैं ना ये रस्सी है, तो इसको मतलब लटका के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसको ऊपर उठा के और इस तरीके से ऐड दिया है, यानी कि मोड़ दिया है, और जो कॉपर का तार होता है उससे बंधवा दिया है, तो तीनों में जैसे कि एक जैसा मेजरमेंट के हिसाब से लटकाया है, तो काफी सुंदर लगता है। ये देखिए, सो आज फाइनली मैंने आपको होम टूर दिया है, और क्या क्या आइडियाज आपको मिले घर को देख के मुझे जरूर बताइएगा, और घर कैसा लगा आपको तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।